कॉफी। थैंक यू। आराम से, गरम है। सॉरी, तुम्हारे पेरेंट्स से कल पहली बार मिलूंगी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कैसे बात करनी है। गॉड, काम ना, काम ना, इसीलिए तुमको यहाँ बुलाया है ना, तुमको प्रेप अप करने के लिए। क्या? ओके, तो मुझे बताओ कि मैं क्या पहनूं, सूट पहनूं या जो मैं नॉर्मली पहनती हूँ वो पहनूं, या कुछ स्पेसिफिक? ऐसा कोई रूल नहीं है, मेरे पेरेंट्स मॉडर्न है तो कुछ भी चलेगा, बस हाँ कुछ ज़्यादा फैशनेबल या बहुत ज़्यादा ब्लिंग मत पहनना प्लीज़। और कल हम सब कहाँ मिल रहे हैं? उसकी टेंशन तो मुझ पे छोड़ दो, मैंने सब कुछ कर दिया है। आई हैव रिजर्व्ड अ टेबल बाय द पूल। Listen, but don't go overboard with this, okay? It's okay. रितिका, तुम मेरे पेरेंट्स से पहली बार मिल रही हो तो अच्छा इंप्रेशन तो पड़ना चाहिए ना। Yeah, I know, but I just don't want you to be spending too much on this. अच्छा सुनो, कल तुम अपने नई कार में मत आना। क्यों? नहीं ऐसे ही, मतलब ये ना लगेगी तुम शो ऑफ कर रही हो। ऑल्सो प्लीज ना, उधर बिल स्प्लिट करने की तो बात गलती से भी मत करना। अरे पर अनिकेत, यू ऑलवेज कुछ नहीं यार, मेरे पेरेंट्स होंगे वहां पर, तुम उनके सामने बिल स्प्लिट करने की बात करोगी तो कैसा लगेगा? उनको लगेगा दैट आई कांट इवन अफोर्ड वन डिनर। And if at all my parents ask about your salary, तो you know, I mean, उन्हें अपनी actual salary मत बताना please. What? Are you serious? हाँ, I mean, you know, उन्हें थोड़ा अजीब लगेगा कि उनके होने वाली बहू उनके बेटे से ज्यादा कमाती है, तो यू नो। So you want me to lie to them? नहीं, मैंने कब बोला कि उनसे झूठ बोलो? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अपनी सैलरी की फिगर मेरी सैलरी के आसपास बता देना ना, ताकि उनके लिए ऑकवर्ड ना हो। See, you know, I come from a tier 2 city, middle class family. और वहां पे ना एक आदमी को मर्द तभी माना जाता है जब वो घर के सारे खर्चे उठा ले। एंड लुक, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम ओके विद यू अर्निंग मोर देन मी, लेकिन मेरे पेरेंट्स का सोचो ना, उन्हें कैसा लगेगा जब उनको ये पता लगेगा कि उनके होने वाली बहू उनके बेटे से ज्यादा कमाती है। ये कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? लिसन, आई नो इट साउंड्स अ लिटिल ऑर्थोडॉक्स, बट ये मेरी सोच तो नहीं है ना, ये उनकी सोच है। अब मैं उनकी सोच को एक झटके में तो नहीं बदल सकता। मेरी मॉम भी जॉब करना चाहती थी, बट शी नेवर गॉट अ चांस बिकॉज माय फादर डिडंट अलाउ हर। अब तुम शादी के बाद जॉब करोगी, सो दे विल गेट यूज्ड टू इट। हाँ, एकदम से नहीं, बट धीरे धीरे। एंड एज इफ तुम्हारा जॉब करना उनके लिए एक शॉकर नहीं था। अगर उन्हें ऊपर से ये भी पता लगा कि तुम उनसे ज्यादा कमाती हो तो वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे यार। And moreover, more salary means more work. तो at certain point of time उन्हें ये तो नहीं लगना चाहिए ना कि तुम कभी घर के कामों में कम ध्यान दोगी या ध्यान ही नहीं दे पाओगी। और मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचें। And you know, marriage is a 50-50 partnership. उनको ये लगेगा कि तुम ज्यादा कमाती हो तो घर के खर्चों में तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा, राइट? एंड Frankly speaking, my parents come from a humble background. उन्होंने पूरी लाइफ में सिर्फ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज देखी हैं और उनको ये लगता है कि a match is only between two equals. और जब उन्हें तुम्हारी सैलरी का पता लगेगा तो they will never see you as my equal. और moreover, तुम जानती हो हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं। 100 तरीके के लोग हैं, 200 तरीके की बातें करते हैं। And it will affect our relationship. आज नहीं तो कल, लेकिन करेगा जरूर। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं अनिकेत, मैं नहीं समझ रही हूँ। ओके अनिकेत, कैन आई आस्क यू वन थिंग? तुम सही से जवाब दोगे मुझे उस बात का? पूछो। आर यू रियली ओके विद मी अर्निंग मोर देन यू? का ये कैसा क्वेश्चन है? Just answer me ना. Are you really okay with me earning more than you? Yeah, I mean, I am. It's just okay. You know, I get it. So what I'll do is I'll just call my parents and I'll tell them that Aniket has decided to quit his acting career and he's looking for a regular job with a fixed income. Okay? What? नहीं, तुम सही कह रहे हो. हमें सोचना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में. I come from a tier 2 city. मेरे यहाँ पर लड़कियों की शादी लड़के की जॉब देकर कराते हैं यार. मेरे पेरेंट्स को भी तो टेंशन हो रही होगी कि उनके होने वाला दामाद उनकी बेटी से ज्यादा नहीं कमाता. So yeah, we'll have to think about it. Okay. So what you're trying to say is I am not good enough for you. Just because I don't have a regular job or a stable income. And what you are trying to say is कि I am not good enough for you just because I have a regular job and I am more than you. Aniket, parents क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे? All this is rubbish, Aniket. और ये सब तुम्हारे parents की नहीं, तुम्हारी insecurities है. You are not okay with me earning more than you. रितिका, नहीं तुम साफ-साफ क्यों नहीं बोलते हो कि तुम्हें शर्म आती है? इसलिए इसलिए तो मुझे बोल रहे थे कि अपनी गाड़ी मत लाना, बिल स्प्लिट मत करना, ताकि तुम्हारा मेल ईगो और तुम्हारी एंटाइटलमेंट तुम्हारे पेरेंट्स के सामने बची रहे. जब मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाया, आई डिड नॉट टेल यू टू लाई टू देम अबाउट योर करियर और योर इनकम, डिड आई? नहीं ना. यू नो व्हाई? बिकॉज मेरे लिए सैलरी किसी का वर्थ डिफाइन नहीं करती है. आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू. ये सैलरी के बारे में सोचकर इतना शॉर्ट साइटेड होकर हाउ कैन समवन मेक दैट डिसीजन? I love you for who you are, not what your market value is. And Aniket, सही बोला तुमने. A match is between two equals, and clearly हम equals नहीं हैं. इस relationship में मेरी तो कोई identity है ही नहीं. मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारा false male ego satisfy करने के लिए बैठी हूँ. And according to that, मैं तुमसे ज़्यादा भी नहीं कमा सकती, because that will look bad on you. क्योंकि तुम घर का मर्द नहीं feel करोगे ना फिर. Okay, just tell your parents कि I was not well and I won't be able to make it tomorrow. Okay? एक सेकेंड, तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने से ही मना कर रही हो? नहीं, पर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी गर्लफ्रेंड या टू बी वाइफ बन के मिलना चाहती हूँ. कोई चलता फिरता सीधी सी पैकेज बनकर नहीं. Let me know what you decide. रितिका, रितिका.